ये मेरे इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये देखो देखा भाई। कैसे। ये देखिए हिरन वगैरह मुझे दिख रहा था, मैं सोचा रोक के दिखा दूं मैं आपको। चोटी देख रहा है वहां से लेके और उधर उस चोटी तक रस्सी बांध के एक औरत ने खेल तमाशा दिखाया था। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम सिराज और आप देख रहे हैं SAS मरीनर। गाइस, अभी हम जा रहे हैं स्लीस एयर लेक। ये ऑटोमेटिक चल रही है भाई, ये देखो ये देखो। अरे संभालो यार। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं स्लीस एयर लेक। क्या बात है, हैंड ब्रेक नहीं लगाए थे? तो गाइस, अभी हम स्लीस एयर, कौन सा लेक है भाई? झील जा रहे हैं गाइस, अभी हम स्लीस एयर लेक जा रहे हैं और रास्ते में सरिस्का पड़ता है। सरिस्का ये बहुत ही फेमस है, यहाँ पर करण अर्जुन का शूटिंग भी हुआ था। यहाँ पर एक सरिस्का पैलेस भी है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा पैलेस है। बट अभी हम वहाँ नहीं जा सकते, काफ़ी लेट हो रहा है। अभी हम जाएंगे डायरेक्टली लेक पे। और गाइस, रास्ते में काफ़ी अच्छा व्यू मिला था। ये देखिए हिरन वगैरह मुझे दिख रहा था, मैं सोचा रोक के दिखा दूँ मैं आपको, तो इसीलिए गाड़ी वगैरह रोक के मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, काफ़ी खूबसूरत ये जो जंगल का एरिया है श्री पूरा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए भाई, मौज कर रही है पब्लिक। मैं अभी लेक की तरफ चलता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ क्या क्या है वहाँ देखने लायक, क्या क्या है। तो गाइस चलिए चलते हैं अभी। गाइस यही वो अभी ये जिसपे करण अर्जुन का शूटिंग हुआ था यही हवेली है राणा जी की। और एक राणा जी हमारे साथ है, देख लीजिए। रास्ते में कोई मंदिर था तो भाई लोग को थोड़ा रुकना था, चलिए देखते हैं। ये नटनी का बारा है, ये मतलब ये फेमस जगह है। वो चोटी देख रहा है वहां से लेके और उधर उस चोटी तक रस्सी बांध के एक औरत ने खेल तमाशा दिखाया था, रस्सी पे चल के दिखाया था उसने। नीचे आके अपने बच्चे को दूध पिला रही थी वो, तो बैठी बैठी सोचने लग गई कि अगर मैं ऊपर से गिर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता, तो उसी समय एकदम से वो मर गई थी। तब से इस जगह का नाम नटनी का बारा कहा गया है। देवनारायण भगवान का मंदिर है प्रसिद्ध। और जब बारिश की टाइम होती है ना, तो अब तो ये धूप वगैरह घास वगैरह हो रही है, बारिश के टाइम में इतने मोटे मोटे तो कछुए आ जाते हैं यार, मछलियाँ वगैरह, और बहुत शानदार हो जाता है। लेकिन अभी बारिश का मौसम है नहीं ना, इसकी वजह से गाइस ये अच्छी जगह है देखने की, है मगरमच्छ कछुए वगैरह। अलवर जाने वाले सभी एक बार यहाँ पे रुक कर जाते हैं, जो भी अलवर जाता है वो रुक कर जाता है यहाँ पर। गाइस हम पहुंच गए सिलिसेट झील। ये लेक आर्टिफिशियल है गाइस, किसी जमाने में किसी राजा ने बनवाया था। तो चलिए मैं आपको आगे लेके जाके दिखाता हूँ। इसका एंट्री टिकट करीब 100 रुपये था, उसमें एक चाय कॉफ़ी जो कर पीना है पी सकते, तो एंट्री 100 रुपीस लगता है पर पर्सन, तो वैसे ही था। तो गाइस चलिए पहले हम यहाँ घूमते हैं, देखते हैं क्या सीन है, क्या नज़ारा है, कैसा है। तो गाइस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, सामने का लोकेशन जो व्यू दिख रहा है ना गाइस, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर गाइस बोटिंग वगैरह भी होती है, मैं नीचे दिखाऊंगा अभी आपको। बोटिंग होती है, स्पीड बोट्स हैं, उसके बाद में अलग अलग 8 बंदों के 10 बंदों के और ऐसे करके हैं, 12-12 बंदों के बोट्स अलग अलग हैं, तो वो बोटिंग भी कराते हैं। और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बढ़िया व्यू दिख रहा है, मैं सामने आपको दिखाऊँगा। बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है गाइस। जहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, उसके सामने एकदम व्यू काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी नहीं बहुत बढ़िया है गाइस। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ सामने का व्यू। एक नंबर व्यू है गाइस, सामने से देखने का मजा ही कुछ और है। ठंडी ठंडी हवा सामने से आ रही है और ये व्यू है। ये आर्टिफिशियल लेक है, किसी जमाने में किसी राजा ने बनाया था, पता नहीं अभी उतना ईयर वर नहीं मालूम, राजा का नाम नहीं मालूम। और गाइस ये देखिए, ये बोटिंग करने के लिए। और गाइस ये देखिए, साथ वाली पब्लिक यहाँ पर बैठी है, मौज कर रही है।
धूप आ रहा ज्यादा ना। तो गाइस यहाँ का व्यू जो है ना काफी बहुत ही बेहतरीन है, आप देखते होंगे काफी बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। मैं थोड़ा और ओपन, मेरे को डाउट है चाहिए, ये देख ये मेरे इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसके पीछे पड़ा हुआ है ये देखो। ओए कृष्ण भाई, ओए कृष्ण ना 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 ओ गजब सही है गाइस, सब चालू है। खोलेगा कैसे? अरे अरे कर दी काम। अभी सीखा नहीं है पीना लगता है। तो गाइस वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे।